अमृतसर विच एक साबका फौजी की पत्नी नाल कुटमार करन दा मामला सामने आया है। अमृतसर वासी दीदार सिंह जो कि फौज विचों रिटायर्ड है उसदे ही घर के नज़दीक रह रहे एक पुलिस मुलाजम जो कि पुलिस विच बतौर सिपाही ड्यूटी कर रहा है उस नाल पुराना वाद विवाद चल रहा सी। वाद विवाद चलन का कारण सी कि वह फौजी के घर के अगों गड्डी नहीं सी लंघा पाउंदा जिसनू लै के काफ़ी वार इन्हां विच तू तू मैं हो चुकी सी। बीते दिन जदों साबका फौजी दीदार सिंह घर नहीं सी तां पुलिस मुलाजम रणजीत सिंह राणा वल्लों फौजी दे घर पथराव किया गया ते हमला किया गया। साबका फौजी दीदार सिंह दी गैर हाजिरी विच उसकी पत्नी गुरप्रीत कौर नाल कुटमार की गई अते उस औरत दे कपड़े भी फाड़े गए। साबका फौजी दीदार सिंह ने दसिया कि उसकी पत्नी नाल इन्नी बुरी तरह कुटमार की गई है, इन्नी गुझियां सट्टां लगाईआं गईआं हन कि उसकी पत्नी चल फिर भी नहीं सकती, जिसनों लैके उस वलों पुलिस को दरखास्त भी दी गई पर पुलिस वलों हाले तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिस तो बाद हुण साबका फौजी दीदार सिंह वलों इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। मैं दीदार सिंह, मेरा नाम है, एक्स सर्विसमैन है, फौज रिटायर होया हाँ और मैं इतने 100 सिटी प्रेम नगर कलोनी में रहना 184 नंबर प्लाट नंबर। वाकया इस प्रकार ही मतलब असं उस टाइम बाहर गए हैं, मैं और मेरी मदर सौदा लैन वास्ते और ये इन्होंने पहला ही प्लान बनाया ही बहुत तगड़ा कि लेडीज मेरे घर ही बच्चे ही बस कले इन्होंने कुटमार की इन्हें जो बंदा मुलाजिम है पुलिस में वह वर्दी का रोह बचाड़िया असी पुलिस मुलाजिम हाँ सानू की कर लेंगे। नाम है रणजीत सिंह राणा, सिपाही अपने फादर जगह से नौकरी मिली हुई है। इस टाइम कितने ये उन्होंने इस टाइम घर है पिंड भिखी पिंड है, भिखी पिंड का रहने वाला। इस टाइम उस जगह तो मैं ड्यूटी का पता नहीं लोकेशन का, लेकिन किस टाइम कितने तैनात है अगर मैं पता है तो मैं दसदा, लेकिन मैं जिस तक आइडिया भी वो रिक्रूट है वो जलंधर ही इस टाइम ड्यूटी तैनात है। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की क्यों बंदा पुलिस में है तो पुलिस की मननी मतलब दूजे बंद थोड़ा सुनेगी उन्हें तो चाहे बंदा जिनी मर्जी गलती करके आ जाए पुलिस का बंदा तो पुलिस वाले कहने भी नहीं बड़ा बंदा ठीक है ये गल बात। क्या लगता कि तुसी सारी उम्र नौकरी की है आर्मीमैन हो देश वास्ते सब कुछ करते रहे लेकिन पुलिस वाले जिहड़े आ जान बुझ के तुहानू जिहड़ा आ नुकसान पहुँचाने की गलबात कर रहे हैं? पुलिस वाले देखो ये सानू कह रहे हैं भी तुसी साडे नाल राजीनामा करो, राजीनामा किस जगह से करिए, एक साडे नाल कुटमार की आ, एक तुसी पुलिस विच नौकरी करन डे हो उहदा तुसी प्रेशराइज साडे ते करन डे हो, साडे ते घर आके साडे चपेड़ा मारन डे आ, इहदे वड्डा होर की हो सकदा दसो। लड़ाई की शुरुआत इदा हुई जिहड़ा बलजिंदर सिंह साढ़े पर दो तीन घर छड़ के गवांढी साडा दसंबर के महीने असी बाहर वेड़ा बनाया मतलब गड्डी लई धोन वास्ते वो बंदे नूं प्रॉब्लम आ गई, वो बंदे ने कहा भी ये उच्चा मेरी गड्डी वजती है जिससे कि उन्होंने दो गलियां पहला लगदियाँ तो तीजी गली ये लगती है तो अही चलो वह भी पुलिस में उन्हें शराब पी के साड़ी फैमिली नूं गालां कढ़ियां, उस टाइम मैं ड्यूटी सां बाहर गालां कढ़ियां उल्टा बाद च उन्हें बंदे ने बाद च पिंड दे इत्थे गली दे बंदे इकट्ठे कर ले ते राजीनामा कर लिया, कहिंदे चलो गली दे गल आ ते अही कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया चलो गली दे विच बंदे ने शराब पी के गालां कढ़ियां चलो कोई गल नहीं, लेकिन वह बंदे ने रंजन शबाशी साडे नाल कढ़ी, असीं लड़ाई नहीं करना चाहुंदे, असीं लड़ाई दे ना मूड दे विच आ, असीं कोई ना लड़ाई कीती है लेकिन रंजन शबाशी रखदा सानूं उत्थों जान तों भी खतरा, मेरे परिवार नूं भी खतरा और मैनू भी खतरा, मैं ड्यूटी जाना सुबह शाम जाना ड्यूटी, अगर कोई गलबात होंदी है तो यह बंदा जिम्मेवार होगा। ये वट्टे के मुंडे ने साडे घर दे, मैं उस टाइम ड्यूटी से हाँ 6 से 2 मेरी ड्यूटी, ये बंदे ने अपने मुंडे को भेज के शैतानी के नाल साडे घर वट्टे मारे और बाद च इहदा जिहड़ा मुंडा ही रणजीत सिंह राणा के घर खड़ा सी, मेरी फैमिली ने देखा होर कोई मुंडा नहीं सी, इस नूं कहा भी तू पत्थर मारना, ये बोलिया नहीं अपने घर चल गया। उस टाइम बलजिंदर सिंह भी अपने घर ही, लेकिन बलजिंदर सिंह ने अपने बच्चे की गलती नहीं कटी, सॉरी फील नहीं की कि मेरे बच्चे की गलती आ मैं सॉरी मंगदा, तो अभी चलो कहते कोई गल नहीं, लेकिन वो बंदे ना सॉरी मंगे, वो बंद आकड़ च इतने जिद किसी ना लड़ाई करता, 3-4 घर आ जिन्हें पहले भी लड़ाई कर चुका हूँ साढ़े पिछे पिया आ हाथ धो के, साढ़े जहाँ कोई दुश्मनी कोई गलबात नहीं, अभी इन्हें बुलाते नहीं चला नहीं ना ही घर आते जाने, फिर उन्होंने पता नहीं किस चीज़ की सट तो प्रॉब्लम है। उच्च अधिकारियों को मिलोगे जाके सीपी साहब को मिलोगे जाके शिकायत दर्ज करवाओगे क्योंकि फिर पुलिस अगर नहीं बनेगी फिर पर्चा भी नहीं होगा। मैं हाई लेवल तक पहुँचूंगा और अगर नहीं सुनवाई होएगी तो मैं
पूरी कार्रवाई करूँगा जितों तक होएगी कार्रवाई करूँगा। लेकिन मैं जो कानून दे जिन्हें हाथ से कानून लिया, रणजीत सिंह राणा ने हाथ से कानून लिया, बलजिंदर सिंह राणा ने हाथ से कानून, उन्हें बलजिंदर सिंह कानून लिया, इन्हों पर कानूनी कार्रवाई करा और जनानी के जो हाथ चुकन इन्हों तो मैं नहीं छड़ांगा इन्हों। थैंक यू। की नाम है तुहाडा जी? मेरा नाम भाजी गुरप्रीत। गुरप्रीत जी, की मामला की होया जो तुहानू मार कुटिया गया, की मामला की सीगा सारा? भाजी एक दिन पहला इन्होंने ना गड्डी ते वट्टे मरवाए सी, ते मेरी मम्मा जाके उन्होंने घर कह के आए, लामा दे के आए, चलो थोड़ी बहुत गलबात हुई, अपने घर आराम ना बैठ गए सी, कोई गलबात नहीं। अगले दिन उन्होंने अपने भरा भरजाइयों मां सारे बुला लिया, मासी के मुंडिया बुला लिया, तो फिर इन्होंने मैंने मारिया कुटिया सारे। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਵਾਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਲਿਖਾਈ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਆਈ ਤੇ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰੇ ਦੇਖਣ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ? ਅਜੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 8-9 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਅ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰ ਲਓ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਭਾਅ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ? ਫਿਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਭਾਅ ਜੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਆ। ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ? ਨਹੀਂ ਭਾਅ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਭਾਅ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰੇਗਾ, ਮਾਰੇਗਾ ਕੁੱਟੇਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਅ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।